चूल्हे चौके से आगे आकर अब महिलाएं हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। पहले की बजाय अब परिवार भी उन्हें मोटिवेट करते हैं। ये कहना है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में राजस्थान में 6वीं रैंक हासिल करने वाली सीकर की सुभिता ढिल्लन का। उन्होंने महिला कैटेगरी में पूरे राजस्थान को टॉप किया है। सुभिता इससे पहले भी 2 सरकारी नौकरी हासिल कर चुकी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में सफल होने पर सुभिता ढिल्लन ने बताया कि 12वीं पास होने के बाद ही घर वालों ने उनकी शादी कर दी थी। वहीं पति राजेश सीकर के प्रिंस एजुकेशन हब में मैनेजमेंट का हिस्सा है। शादी के बाद जब पढ़ने की इच्छा उन्होंने जाहिर की तो पूरा साथ मिला। बीएससी के बाद बीएड कर 2013 में 3rd ग्रेड की टीचर बनी, जिसके बाद भी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और एमएससी की। वहीं 2020 में स्कूल व्याख्याता एग्जाम में पूरे स्टेट में पहला स्थान हासिल किया और अब कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में राजस्थान में 6वीं रैंक हासिल कर। सुभिता ने बताया कि 2020 में जब वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी उस दौरान वो गर्भवती भी थी और ऐसे में राजेश अपनी नौकरी करते और घर आने के बाद घर का सारा काम भी खुद ही करते। उन्होंने बताया कि वो हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए कहते थे। सुभिता ने कहा कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए धैर्य और डेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है। जब तक दोनों चीजों को लाइफ में आप नहीं अपनाते लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता है। सुभिता ने कहा कि पहले की बजाय अब समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। महिलाओं को अब चूल्हे चौके से ज्यादा पढ़ाई के लिए घर वाले मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे में पढ़ लिख कर उन्हें समाज में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। 2013 के अंदर मेरा सिलेक्शन ग्रेड 3 में हुआ था और उसके पहचान बेटी हो गई, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई एक बार छोड़ दी थी। और 2020 की वैकेंसी स्कूल वैकेंसी की भर्ती परीक्षा थी, उसमें मेरे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मैंने 6th रैंक हासिल की है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा आई थी तो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, जारी रखी। और बच्चों को मैंने एक बच्चे को तो मासी जी के पास छोड़ दिया था, एक बच्चे को मैंने ननद के पास छोड़ा था। फिर उसको एक बच्चे को रात को शाम को ले आते थे और जितना मेरे को टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी पढ़ाई पूरा डेडिकेशन से करती थी।